नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसा कि जीएन भारत में हम आपको पूजा सिंगल से रिलेटेड सारे अपडेट्स देते आ रहे हैं, लेकिन आज फिलहाल हम ईडी कार्यालय में मौजूद हैं और ईडी में आज वैसे कोई पूछताछ के लिए पहुंचे नहीं हैं। विभूति जी से, जो साहिबगंज के डीएमओ हैं, पिछले 3 दिन से उनसे पूछताछ हो रही थी और कहीं अहम जानकारी निकल कर सामने आई है। पूजा सिंघल फिलहाल होटवार जेल में है और जैसा हमने आपको लगातार अपडेट दी है कि उनका जीना हराम हो रहा है, रात में मच्छर काट रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, दाल को लेकर मैडम भड़क गई। चूँकि आईएएस ऑफिसर रह चुकी है तो उनका जो रॉब है आईएएस ऑफिसर वाला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दाल मिला, दाल देके भड़क गई और कहती है कि इतनी पतली दाल कौन बनाता है। वो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कभी इतनी पतली दाल खाई नहीं होगी क्योंकि एसी चैम्बर में रहने का आदत है। रात भर टहलते रही, कोई किसी भी अगल बगल जो महिलाएं हैं जो उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है उनको भी वो नज़रअंदाज कर रही है, उनसे वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। वो ऑब्वियस सी बात है, इन चीज़ों की आदत नहीं है तो धीरे धीरे आदत लगेगी। और आईएएस की जो गर्मी है वो अभी भी उनके सर पर चढ़ा हुआ है, उतरने का नाम नहीं ले रहा इतने होने चीज़ के बावजूद भी। वैसे भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को जल्दी बेल मिल जाती है, लेकिन फिलहाल 8 जून तक वो जेल में ही रहेगी, इतना तो कंफर्म है। हम ईडी ऑफिस के बाहर खड़े हैं, लेकिन एक के बाद एक और जो खुलासे निकल के आ रहे हैं, चैट से जो और खुलासे निकल के आ रहे हैं, वो प्रेम प्रकाश जो है अभी वो लास्ट में वो पकड़ाए हैं। और प्रेम प्रकाश जो है, ऐसा सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रहा है कि लालपुर से ईडी ने उन्हें धर दबोचा और उनके घर में जो हरमू में जो घर थे उनमें बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर आईपीएस का हाजिरी लगता था। बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऐसे हैं जो प्रेम प्रकाश का पैर छूके प्रणाम भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि शराब, शबाब और कबाब, ये तीनों प्रेम प्रकाश के बंगले में रेगुलर चलता था और इसकी मजे लेने के लिए बड़े बड़े आईएएस अधिकारी प्रेम प्रकाश के घर में आया करते थे। ईडी उसे पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही जैसे हमने कहा कंबोडियन कछुआ और बहुत महंगे महंगे जानवर भी उनके घर से बरामद हुए हैं। अभी ईडी के रडार पे और भी कई सारे लोग हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो व्हाट्सएप चैट से एक के बाद जो खुलासे हो रहे हैं और क्या खुलासे सामने निकल कर आएंगे। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी के जो रिश्तेदार खासकर जो पकड़ा रहे हैं, ये रिश्तेदार वही है जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसते हैं, आईएएस के जो ब्लैक मनी को लेकर वाइट करते हैं बिल्डर नीतीश केसरी। उनके जो कंस्ट्रक्शन है उसमें उन्होंने बिल्डिंग खड़ा किया है, वो सब ब्लैक मनी रिलेटेड बिल्डिंग्स है, वो सब ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले अगला निशाना, अगला तीर जो है वो ईडी किस पे लगाती है अपना, क्योंकि अब ईडी और सीबीआई का रेड, अभी आपको बता दें सीबीआई बंधु तिर्की के घर में रेड किया है उन्होंने, तो जिस तरह के सीबीआई और ईडी झारखंड में नजर बनाए हुए है, ये देखना दिलचस्प होगा कि कहानी जो पूजा सिंघल से निकली थी अब वो कहाँ कहाँ जाकर उलझती है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए हम सारे पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। आप बढ़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।